Hello and welcome to Key Study Point. Friends, in this video we will discuss about a poem, The Mystic Drum by Gabriel O'Carra. African जो poet हैं Gabriel O'Carra, उनकी poem Mystic Drum की summary को discuss करेंगे. Summary को discuss करने से पहले कुछ important fact discuss कर लेते हैं जो exam में पूछे जा सकते हैं. जो Mystic Drum है ये metaphorical term है एक जो use होती है African culture के लिए. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, exam में question पूछा जा सकता है. Mystic Drum मतलब एक रहस्यमय drum. ड्रम मतलब एक ढोलक अपने, या उसे आम भाषा में बोलें तो रहस्यमय ढोल या ढोलक. इसका मेटाफरिकल सेंस है अफ्रीकन कल्चर. और यहाँ कंपैरिजन किया है उन्होंने जो कॉलोनाइजर की कल्चर थी, यानी फ्रेंच और जो यूरोपियन बाकी अफ्रीका में जाके वहाँ के लोगों को कॉलोनाइज किए, तो उन दोनों की कल्चर जो रही है, यानी वाइट लोगों की और फिर वहाँ के नेटिव जो इंडिजीनियस पीपल हैं अफ्रीका के, उनकी कल्चर. तो यहाँ जो नैरेटर है, जो पोइट है, बोलता है कि मेरी जो कल्चर है और जो वाइट लोगों की कल्चर है, उसमें जो क्लैश हुआ है, उस क्लैश के बीच में एक मिस्टिक ड्रम ये पोएम निकली है, जिसमें राइटर ने अपनी, पोइट ने अपनी जो कल्चर है अफ्रीकन कल्चर, उसको रहस्यमय ड्रम बोला है. और बड़ा अच्छा इसका प्रीफेस है, इसकी समरी है, देख लेते हैं. द मिस्टिक ड्रम इन माई इनसाइड एंड फिशिस डांस्ड इन द रिवर्स एंड मैन एंड वुमेन डांस्ड ऑन लैंड टू द रिदम ऑफ माई ड्रम. बोलता है यहाँ नैरेटर पोइट कि जो मिस्टिक ड्रम है, मेरा जो रहस्यमय ड्रम है जो मेरे अंदर है, ठीक है, वो बज रहा है, ठीक है, उसकी रिदम पे फिशिस डांस कर रही हैं नदियों में, यानी जो नदियों में मछलियां हैं वो नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं. मैन और वुमेन पृथ्वी पे यानी लैंड पे नृत्य कर रहे हैं मेरी ड्रम की रिदम पे, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि अपनी कल्चर से प्रफुल्लित होकर, साउथ अफ्रीकन कल्चर से आनंदित होकर लोग नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और नदियों में जो मछलियां हैं वो भी डांस कर रही हैं. नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं. बट स्टैंडिंग बिहाइंड इट विद लीव्स अराउंड हर वेस्ट सी ओनली स्माइल्ड विद ए सैक ऑफ हर हेड. यहाँ देखो सी का मेटाफरिकल सेंस है जो यूरोपियन कल्चर है, कल्चर ऑफ वाइट पीपल हु रूल्ड ओवर साउथ अफ्रीका. तो यहाँ सी से सेंस बनता है कि जो यूरोपियन कल्चर है, जो फ्रेंच कल्चर है, ब्रिटेन की कल्चर है, जिन्होंने अफ्रीका को कॉलोनाइज किया हुआ है, किया हुआ था, तो उसको इन्होंने सी, गैब्रियल ओकारा ने सी वर्ड से इंडिकेट किया है, यूज़ किया है. तो यहाँ सी से मतलब उस कल्चर को, यूरोपियन कल्चर जो अंग्रेज लोगों की, वाइट लोगों की कल्चर है जिन्होंने अफ्रीका में वहाँ के लोगों को कॉलोनाइज किया. बट स्टैंडिंग बिहाइंड ए ट्री विद लीव्स अराउंड हर वेस्ट सी ओनली स्माइल्ड विद द सैक ऑफ हर हेड. लेकिन पेड़ के पीछे खड़ी हुई वह, जिसकी कमर के वेस्ट, कमर के आसपास पत्तियां हैं, सिर्फ स्माइल करती है और अपने सिर को हिलाती हुई है, यानी अपने सिर को हिलाते हुए स्माइल करती है. और इस कल्चर को इन्होंने सी से डिनोट किया है, ठीक है. नेक्स्ट चेंज, स्टिल माय ड्रम कंटिन्यू टू बीट रिपल द एयर विद क्विकंड टेम्पो कंपेलिंग द क्विक एंड द डेयर टू डांस एंड सिंग विद देयर शैडोज. लेकिन मेरा जो ड्रम है वो लगातार बजना शुरू रहता है, उसकी जो मतलब साउंड है वो कंटिन्यू रहती है, और वो हवा के साथ तेज गति से रिपल करती है और एक सम्मोहक गति प्रदान करती है, जिससे जो जिनकी मृत्यु हो गई, डेड लोग जो हैं वो भी गाने लगते, वो भी नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, उनकी परछाइयां भी गाने लगती हैं और वो डांस करने लगते हैं. डेड टू डांस एंड सिंग विद देयर शैडोज. यहाँ पर्सोनिफिकेशन का काफी, पर्सोनिफिकेशन स्पीच का काफी मजेदार यूज किया है यहाँ गैब्रियल ओकारा ने, ठीक है. तो इस स्टैंजा में पोइट बोलता है कि मेरा जो ड्रम है वो कंटिन्यू रहता है और उसकी गति पे, उसकी सम्मोहक गति पे जो हवा के साथ मतलब हवा में फैल जाती है, उसकी सम्मोहक गति से जो मृत व्यक्ति हैं, डेड हैं, वो भी डांस करने लगते हैं और वो अपनी शैडो के साथ गाना भी गाने लगते हैं. बट स्टैंडिंग बिहाइंड ए ट्री, देखो ये स्टैंजा बार बार इन्होंने रिपीट किया, लेकिन जो पेड़ के पीछे खड़ी हुई है एक कल्चर, जिसको हम यहाँ बोल सकते हैं सी वर्ड से डिनोट किया है, जिसकी कमर के आसपास पत्तियां लगी हुई हैं, जो पेड़ के नीचे दूर खड़ी हुई है, वो सिर्फ स्माइल कर रही है, करती है और सिर्फ अपना सर को हिलाती है, शेक ऑफ हर हेड. देन द ड्रम बीट विद द रिदम.
ऑफ द थिंग्स ऑफ द ग्राउंड एंड इन्वोक्ड द आईज ऑफ द स्काई द सन एंड द मून एंड द रिवर गॉड्स एंड द ट्रीज बिगेन टू डांस एंड बिगेन टू डांस द फिशेज टर्न मैन एंड मैन टर्न फिशेज एंड थिंग्स स्टॉप टू ग्रो। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेशन जहाँ में इमेजिनेशन लेवल और काफ़ी हाई हो जाता है, मेरा जो ड्रम है एक ढोल है वो एक रिदम के साथ आवाज़ करने लगता है और जो थिंग्स हैं ग्राउंडेड थिंग्स हैं उनको इन्वोक करता है, उनको उत्तेजित कर देता है, आकाश को उत्तेजित करता है, इन्वोक द आई ऑफ स्काई, सूरज और चंद्रमा को और जो नदियों के गॉड्स हैं उनको भी उत्तेजित कर देता है, आनंदित कर देता है। एंड द ट्रीज बीन टू डांस, और जो टहनियां हैं पेड़ हैं उनकी जो शाखाएं हैं वो भी डांस करने लगती हैं। फिशेज टर्न मैन, जो मछलियां हैं फिश हैं वो मैन बन जाती हैं, ह्यूमन बीइंग बन जाती हैं, और जो ह्यूमन बीइंग हैं वो फिशेज बन जाते हैं। थिंग्स स्टॉप टू ग्रो, और ऐसे लगता है कि सभी चीज़ें रुक सी गई हैं। बट स्टैंडिंग बिहाइंड ए ट्री विद लीव्स अराउंड हर वेस्ट सी ओनली स्माइल विद द शेक ऑफ हर हेड, लेकिन दूर पेड़ के नीचे खड़ी हुई एक वह जिसकी कमर के आसपास पत्तियां हैं वह सिर्फ स्माइल करती है और अपना सर हिलाती है, सर हिलाते हुए स्माइल करती है। नेक्स्ट स्टेशन है एंड देन द मिस्टिक ड्रम इन माय इनसाइड स्टॉप टू बीट, और अचानक क्या होता है कि जो मेरे अंदर का मिस्टिक ड्रम था, रहस्यमय जो ढोल था, वो स्टॉप यानी रुक जाता है, बीट यानी आवाज करना रुक जाता है, बंद कर देता है। एंड मैन बिकेम मैन, और मानव मानव ही बन जाते हैं। फिशेज बिकेम फिशेज, और जो मछलियां हैं वो मछलियां ही बन जाती हैं पुनः। ट्रीज एंड द सन एंड द मून फाउंड देयर प्लेसेज, और जो पेड़ सूरज चंद्रमा है वो अपनी जगह पे नॉर्मल दिखने लगते हैं। एंड द डेड वेंट टू द ग्राउंड एंड थिंग्स बिगेन टू ग्रो, और जो मृत व्यक्ति हैं डेड व्यक्ति हैं वो ग्राउंड में फिर से चले जाते हैं, मतलब कब्र में अपने में चले जाते हैं। जो पहले स्टेंजा में इन्होंने इमेजिनेशन की थी कि डेड भी डांस करने लगे हैं और अपनी शैडो के साथ गाने लगे हैं, तो नेक्स्ट स्टेंजा में इनका जो उल्लास था, जो इनका इमेजिनेशन था वो एकदम जमीन पर आ जाता है, सभी चीज़ें एज पर द पॉइंट वो नेचुरल हो जाती हैं जैसी हैं। एंड थिंग्स बिगेन टू ग्रो, और जो पूर्व स्टेंजा में इन्होंने बोला है कि चीज़ें रुक जाती हैं, बढ़ना बंद कर देती हैं, फिर से नॉर्मल हो जाती हैं, ग्रो करने लगती हैं। एंड बिहाइंड द ट्री सी स्टूड विद रूट्स स्प्राउटिंग फ्रॉम हर फीट एंड लीव्स ग्रोइंग ऑन हर हेड टू स्मोक इश्यूइंग फ्रॉम हर नोज एंड हर लिप्स स्पार्टेड इन हर स्माइल टर्न्ड कैविटी बेल्चिंग डार्कनेस। अब देखो इसमें फिर उसी मतलब उस यूरोपियन कल्चर के लिए जो कॉलोनाइजर्स की कल्चर उसके लिए वो लगा है, लेकिन वह जो पेड़ के नीचे खड़ी थी उसकी जो रूट्स हैं जड़ें हैं स्प्राउट करने लगी, अंकुरित करने लगी हैं अब उसके पैरों से, और जो पत्तियां हैं वो उसके सर तक आ गई हैं, लीव्स ग्रोइंग ऑन हर हेड, ठीक है। एंड स्मोक इश्यूज फ्रॉम, और उसकी नोज से एक धुआं सा निकल रहा है, हर लिप्स पार्टेड इन हर स्माइल, और जो उसके लिप्स हैं उसकी स्माइल से उन दोनों के बीच में एक गड्ढा सा बन गया, मतलब वो स्माइल कर रही है तो उसके लिप्स पार्ट हो गए, अलग अलग हो गए और एक अंधेरा दिखने लगा है, ठीक है। कैविटी बेल्चिंग डार्कनेस, मतलब एक अंधेरा दिखने लगा है। देन आई पैक्ड माई मिस्टिक ड्रम, देखो यहाँ ध्यान रखना है इन्होंने रिपीट किया इस वर्ड को, देन आई पैक्ड माई मिस्टिक ड्रम एंड टर्न अवे नेवर टू बीट सो लाउड एनी मोर, फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना जो मिस्टिक ड्रम है उसको पैक कर लिया, ठीक है, एंड टर्न अवे, और मैं दूर चला गया, नेवर टू बीट सो लाउड एनी मोर, और फिर कभी मैंने उस ड्रम को उस ढोल को नहीं पीटा। तो यहाँ ये जो मेटाफरिकल सेंस है वो ये है कि जो अफ्रीकन कल्चर थी वो अच्छी खासी फल फूल रही थी, अचानक से यूरोपियन कल्चर या कॉलोनाइजर्स की कल्चर अफ्रीका में आ जाती है और वो दूर से सब चीज़ देख रही होती है, और धीरे 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 जो नेटिव इंडिजिनियस लोगों की कल्चर होती है वो ख़त्म हो जाती है और यूरोपियन कल्चर वहाँ अपने पैर फैला लेती है। तो ये चीज़ गैब्रियलो कारन ने इस पोएम में समझाने की कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोएम है, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन का काफ़ी मज़ेदार यूज किया है यहाँ। ये समरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बाकी वीडियो चेकआउट कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हैं चैनल पे जाके। थैंक यू।